इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, यह कौन से नियम दिए थे और इनके नियम का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी कि आर्किमिडीज का नियम यह कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः, कहने का मतलब कि जब कोई भी वस्तु किसी द्रव में आधा या पूरा डूबती है ना, तो उसके भार में एक कमी आ जाता है और उसके भार में जो कमी आता है ना, वह उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के बराबर होता है। जी, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नदी है या फिर तालाब है, इसमें यहाँ पर देखिए इतना पानी है, ठीक। और इस पानी में मान लेते हैं हम यहाँ पर कि एक जहाज है जो इतना डूबा हुआ है, इतना डूबा हुआ है, तो वह इतना डूबा हुआ है, तो यह इतना डूबा हुआ है ना, तो इसके भार में कुछ कमी आ जाएगा। अब कमी कितना आएगा, मान लेते हैं हम इस जहाज का जो वजन है यह 50 किलो है, ठीक। इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। इस जहाज का वजन मान लीजिए कि 50 kg है, इतना नहीं होता है, इसका तो वजन टन में होता है, लेकिन मान लेते हैं हम कि 50 kg है और इसके भार में कमी आ गया है। अब यह जहाज जो है यह पानी में बन गया है 30 kg का, तो इसके भार में जो 20 kg का कमी आया है ना, 20 kg का, यह क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने यहाँ पर सतह पर यहाँ से 20 kg पानी को यह विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि यहाँ से 20 kg पानी को हटा दे रहा है। तो वहीं आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः यानी कि आधा या फिर पूरी तरह से डूबती है, तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी हो जाती है। तो उसके भार में जो कमी होती है, यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जितना इसमें कमी होगी ना, यह समझ लीजिएगा कि यह वस्तु अपनी जगह से उतना केजी पानी को हटा दिया है।